अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज ये सीट जो है वो थोड़ी सी खाली खाली लग रही है, क्योंकि अली जो है थोड़ा सा बिज़ी है, और इसीलिए आज का रिव्यू भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें ये होगा कि POV स्टाइल का हम रिव्यू बना रहे हैं, और इसमें गाड़ी जो है वो हैवल की जोलियन है। इस गाड़ी के बारे में बड़ी तारीफ़ें सुनी है कि बड़ी इंटेलिजेंट है और फलान ढमकान। तो उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या सीन है उसके अंदर। 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ आती है, और इसका रिव्यू जो है वो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो ये है हैवल की जोलियन। अगर हम हैवल के दूसरे मॉडल की बात करें तो वो H6 है, और ये जो है वो जोलियन है, और इसका इंजन जो है वो 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ आती है, जिसकी हॉर्स पावर 150 है और 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। टॉर्क फिगर की अगर बात करें तो स्पोर्ट से थोड़ा सा इसका ज़्यादा है, वो 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, ये 220 है, और वो 2000 CC के साथ आती है। ये तो इसके इंजन की बात हो गई। अब चलते हैं इसके एक्सटीरियर की तरफ, और एक्सटीरियर में सबसे पहले जो आप चीज़ देखेंगे वो इसका हुड का डिज़ाइन है, और हुड पे आप देख सकते हैं कि ये दो जो प्रोमिनेंट लाइन्स हैं ये हैवल के लोगों की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक नहीं है इसके हुड की। और उसके आगे अगर हम इसकी ग्रिल की बात करें तो ग्रिल का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्रोम की ग्रिल है ऑल ओवर, और इसमें आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये ऐसे, अगर इसको हम डिफरेंट एंगल से देखें तो ये कलर जो है वो शिफ्ट करता है अपने। और ग्रिल के अंदर जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हैवल का जो है वो बैज है, जिसके अंदर हैवल लिखा हुआ है। उसी के नीचे आप अगर देखेंगे तो फ्रंट कैम है, और इसकी जो आउटलाइन है वो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी आउटलाइन है ये क्रोम की ग्रिल है, और काफ़ी मतलब एक अच्छी लुक दे रही है। उसी के नीचे अगर हम देखें तो ग्रिल के नीचे एक और आपको ग्रिल नज़र आ रही है, जो कि हॉरिजेंटल लाइंस के साथ है, जिसके अंदर आपको रेडिएटर भी नज़र आ रहा है। और उसके नीचे अगर देखेंगे तो ये डिफ्यूज़र स्टाइल की जो है इसका फ्रंट बम्पर है, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट सेक्शन जिसमें बने हुए हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है कि डिफ्यूज़र स्टाइल का इन्होंने दे दिया है। उसके साथ ही अगर हम लाइट्स की बात करें तो लाइट्स जो हैं वो क्यूबिक स्टाइल की हैं, और आप देख सकते हैं कि ये दो जो हैं ये लो बीम्स के लिए हैं, और इसके साथ ये दो हाई बीम्स के लिए हैं। और इसकी काफ़ी खूबसूरत जो DRLs हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लगेंगी। ये आप देखें, ये डिज़ाइन जो पूरा है नीचे तक जा रहा है ये डिज़ाइन। ऊपर अगर देखेंगे तो ये तीन इंडिकेटर की लाइट्स हैं जो कि बार्स बनी हुई हैं, और उसी के नीचे अगर आप देखेंगे इसकी आउटलाइन DRLs की तो ये क्रोम के साथ है, ये देख सकते हैं क्रोम है। और ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल इन्होंने ग्रिल की तरह डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन ब्लैक में है। और उसी के साथ अगर हम इसके बम्पर की फिनिश देखें नीचे से तो वो पियानो ब्लैक के अंदर है। और अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल जो है वो गाड़ी की खूबसूरत है काफ़ी, और एक बल्की सी लुक आती है गाड़ी के अंदर। और अगर हम साइड प्रोफाइल में इसके व्हील्स की बात करें तो व्हील्स जो है वो टू टोन डिज़ाइन है इसका, और देख सकते हैं ये सिल्वर के साथ है, और इसका जो ब्लैक है वो पियानो ब्लैक है, जो कि काफ़ी एक प्रीमियम गाड़ी को लुक दे रहा है। और इसका साइज़ जो है वो 18 इंचज़ का है, और इसके सेंटर में जो आप देख सकते हैं कि हैवल का बाकायदा इन्होंने यहाँ पर बैच भी दिया हुआ है। और मज़ीद अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो ऊपर अगर हम इसके मिरर्स की बात करें तो उसके अंदर एक छोटी सी LED इन्होंने दी हुई है, और उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो 360 व्यू के लिए जो कैमरा है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, और फ्रंट पे भी है यही कैमरा, और ऑल ओवर गाड़ी के अंदर आपको कैमरेस मिल जाते हैं। और साइड प्रोफाइल में ये आप जो आउटलाइन देख रहे हैं ये सारी, ये इसकी जो आउटलाइन है क्रोम के अंदर है, ऑल द वे टू द क्वार्टर विंडो तक जाती है। और मज़ीद अगर हम इसके डोर हैंडल्स की बात करें तो बॉडी कलर्स में हैं, और उसके अंदर ही टच सेंसर इन्होंने दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का सा टच किया और गाड़ी लॉक हो गई है, तो काफ़ी सेंसिटिव इसके टच हैं, और ये हाथ डालूंगा तो गाड़ी अनलॉक भी हो जाएगी। तो इसका जो है कीलेस एंट्री वाला पूरा सिस्टम है, और नीचे अगर साइड प्रोफाइल में देखें तो एक क्रोम की पट्टी आपको नज़र आ रही है जो कि ऑल द वे टू द बैक जा रही है। और इसके अंदर खूबसूरत चीज़ ये है कि हैवल का बैज इसके अंदर भी दिया हुआ है बड़े खूबसूरत फॉन्ट के साथ। और मज़ीद बैक की तरफ अगर हम देखें तो ऊपर आप देख सकते हैं कि ये इसकी क्वार्टर विंडो है, जो कि पूरी जो है प्राइवेसी ग्लास के साथ है। और मज़ीद अगर हम बैक की तरफ चलें इसके, तो ये आप जो करेक्टर लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये करेक्टर लाइन जो है पूरी ऑल द वे टू द बैक जा रही है, और इसकी ये ब्रेक लाइट्स के अंदर मर्ज हो रही है। और उसके अंदर जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा मैश स्टाइल का और डिफरेंट लग रहा है, जो कि खूबसूरत है। और इसकी अगर हम बैक लाइट्स की बात करें तो बैक लाइट्स जो है काफ़ी बड़ी लगती हैं मुझे गाड़ी के साइज़ के लिहाज से, और काफ़ी एक प्रोमिनेंट जो है वो चीज़ हो जाती है ये। और ऊपर से अगर आप शेप देखेंगे तो ये शेप आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्पोर्टी है, मैं आपको साइड से भी दिखाता हूँ कि ये थोड़ी स्पोर्टी लुक दे रही है गाड़ी को। और मज़ीद अगर हम इसकी बैक लाइट्स की बात करें तो बैक लाइट्स जो हैं वो डी शेप में मुझे लगती हैं, क्योंकि नॉर्मली सिविक वगैरह में देखें तो सी होती है, ये जो है मुझे डी शेप लग रही है। और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं
ये ऑल द वे टू द डाउन ये रन कर रही होती हैं इसकी DRLs और पार्किंग लाइट्स के साथ, और ये डिज़ाइन काफ़ी इसका जो है वो खूबसूरत है। और अगर आप यहाँ पे तीन लाइट्स देखेंगे ये वाली, तो ये बिल्कुल फ्रंट की तरह इन्होंने बनाई हुई हैं, और ये लाइट बार जो हैं ये इंडिकेटर्स की हैं। उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये रिवर्स लाइट है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो GWM का लोगो है, ग्रेट वॉल मोटर्स जो कि इस गाड़ी को बनाती है उसका लोगो इन्होंने दिया हुआ है। और उसके साथ ही अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स नज़र आ रहे हैं, तीन हैं बैक पे, चार नहीं है, नॉर्मली चार होते हैं, तो यहाँ पर तीन दिए हुए हैं पार्किंग सेंसर्स। और मज़ीद अगर हम ऊपर की बात करें तो आपको हैवल का लोगो मिल जाता है, जो कि पूरा एक हैवल लिखा हुआ है बकायदा। उसी के साथ अगर हम ऊपर चलें तो आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड रूफ़ के अंदर ही स्पॉइलर दिया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं स्पोर्टी लुक दे रहा है। और उसके ऊपर देखें तो शार्क फिन एंटीना भी है। और मज़ीद अगर हम इसके स्पॉइलर के अंदर देखें तो एक ब्रेक लैम्प है जो कि काफ़ी बड़ा है लग रहा मुझे, और काफ़ी प्रोमिनेंट होता है रात के टाइम। उसके साथ ही अगर हम नीचे देखें तो एक बिल्कुल छोटा सा बैक का वाइपर है, जो इसकी स्क्रीन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। उसके साथ अगर नीचे देखें तो नंबर प्लेट के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर आपको बैक कैम नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और नीचे अगर एक साइड पे देखें तो जोलियन की बैजिंग है, जो कि गाड़ी का मॉडल है। और मज़ीद अगर हम गाड़ी की बैक की तरफ देखें तो नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफ्यूज़र स्टाइल का जो है वो बम्पर मिल रहा है, जिसके अंदर आपको ये देख सकते हैं कि ये लाइट बार भी है, और ये पूरी क्रोम की जो पट्टी है आपको नज़र आ रही है, ये क्रोम की पट्टी है इसके अंदर, और उसके साथ रिफ्लेक्टर्स हैं। और अगर आप थोड़ा और नीचे देखेंगे तो ये डिफ्यूज़र स्टाइल का जो आपको ये डिफरेंट सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, ये डिफ्यूज़र स्टाइल का इनका बम्पर है। मजीद गाड़ी के बैक पे कुछ नहीं है, आप चलते हैं इंटीरियर की तरफ और इंटीरियर में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं। तो अब हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं, और इंटीरियर में जाने से पहले हमेशा मैं आपको इसकी गाड़ी की दिखाता हूँ। तो की जो है वो हमारे पास दोनों मौजूद हैं, और ये की फॉब जो इसका है वो आप चेक करें कि इसकी बैक पे हैवल की बैजिंग है, साइड्स पे क्रोम की गार्निशिंग है, और बटन जो है मेटेलिक डिज़ाइन के साथ हैं। लॉक अनलॉक ट्रंक ओपनर और एक एमरजेंसी सायरन का भी बटन है। और दूसरी जो की है वो बिल्कुल सिंपल सी है, उसके ऊपर हैवल की बैजिंग है, और ये इमरजेंसी के लिए यूज़ होती है कि अगर आपकी दूसरी की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है तो आप इमरजेंसी में इस की को यूज़ करके गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। और उसके ऊपर हैवल की बैजिंग है, बैक पे कुछ नहीं है। और अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, और गाड़ी आप देख सकते हैं कि गाड़ी लॉक है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स जो हैं वो क्लोज़ हुए हुए हैं इसके। गाड़ी को अनलॉक करेंगे इसके सेंसर के थ्रू, यहाँ पे मैं हाथ डालता हूँ तो आप देख सकते हैं गाड़ी अनलॉक हुई है और रिट्रैक्टेबल मिरर्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं। और गाड़ी के अंदर हम चलते हैं, और सबसे पहले तो गाड़ी का इंटीरियर आप देखेंगे, इंटीरियर जो है वो टू टोन है और काफ़ी एक स्लीक डिज़ाइन है और डिफरेंट डिज़ाइन का बना हुआ है। और मज़ीद इसके अंदर अगर कलर्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि रेड भी आता है, ब्लैक ऑन ब्लैक भी आता है, एक ब्राउन भी आता है इसके अंदर। और डोर्स की अगर हम बात करें, डोर्स पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन डिफरेंट है, ऊपर ट्विटर भी लगा हुआ है, और लॉक अनलॉक के डेडिकेटेड बटन्स हैं। और मिरर्स की अगर कंट्रोल देखें तो एक कन्वेंशनल नॉब के साथ है, लेफ़्ट राइट आप करके जो है अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो विंडोज़ हैं वो कम्प्लीटली पावर्ड हैं चारों, ये आप देख सकते हैं कि टू स्टेप वाली हैं, कम्प्लीटली पावर्ड, और यहाँ पे मास्टर लॉक भी है। और बाकी अगर डोर का डिज़ाइन देखें तो लेदर की पैडिंग है, और नीचे आप देखें तो बॉटल होल्डर है और फोल्डर होल्डर भी है। और साथ ही जो नीचे आप देख सकते हैं साउंड सिस्टम, उसके साथ हैवल की बैजिंग भी दी हुई है। और मज़ीद अगर हम गाड़ी के इंटीरियर में चलें तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सीट्स, जो कि इलेक्ट्रिक सीट्स हैं। आप देख सकते हैं कि इस बटन को मैं अगर प्रेस करूंगा तो यहाँ से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उसी को बैक करेंगे तो बैक पे इलेक्ट्रॉनिकली जो ये सीट मूव हो रही है, बाकी भी सेटिंग इलेक्ट्रॉनिक ही है। और अगर हम इसके साइड के इंटीरियर की बात करें तो एसी के वेंट्स हैं, जो कि बिल्कुल स्लीक डिज़ाइन के बने हुए हैं छोटे से। और ये जो है आप देख सकते हैं ये लेदर की पैडिंग हुई हुई है इसके ऊपर, जो कि एक प्रीमियम फील दे रही है गाड़ी को। और उसी के अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन की बात करते हैं तो डाउन हिल असिस्ट का बटन है, उसके साथ अगर देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसके साथ हेडलाइट एडजस्टमेंट है, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है मीटर या फिर LCD जो अंदर है उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं प्लस माइनस करके। उसके अगर नीचे देखें तो एक बहुत ही छोटा सा कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर आप कोई अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, वॉलेट वगैरह। और मज़ीद अगर हम गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं और स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं, तो गाड़ी का जो तो असल शशका है ना वो सारा इंटीरियर के अंदर है। बाहर से तो वैसे गाड़ी खूबसूरत है ही है, लेकिन जो असल शशका है वो गाड़ी के अंदर अंदर का है। और इसके अगर हम स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो स्टेयरिंग व्हील पर सबसे पहले जो मुझे चीज़ नज़र आई है वो इसके पैडल शिफ्टर्स हैं,
पैडल शिफ्टर्स गाड़ी के अंदर हैं तो आप इसको आराम से जो है भगा सकते हैं गाड़ी को, 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ आइए। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया के जो हैं कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी मैसिव एलसीडी लगी हुई है उसके साथ जाते हैं। और अगर हम स्टेयरिंग व्हील का डिज़ाइन देखें तो यहाँ पर 4-स्पोक स्टेयरिंग व्हील है जिसके अंदर काफ़ी खूबसूरत गाड़ी के इंटीरियर के साथ मैच किया हुआ ये जो इसकी ट्रिम है वो नज़र आ रही है। इस साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्रूज़ के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, और जो इसकी एलसीडी है, मतलब इसका मीटर नहीं है वो भी एलसीडी है, जो कि मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। इसका पुश स्टार्ट जो है वो इस साइड पर है जो कि काफ़ी छुपा हुआ है, इसको 2 दफ़ा हम प्रेस करते हैं कि हमारी पॉकेट में है तो इसका मीटर जो है वो ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके मीटर की बात करें तो यहाँ पर जो बटन्स लगे हुए हैं उसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। अभी ये गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट करके जो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो अब नज़र आ रहे हैं कि हमारे सामने लेन बनी हुई थी, और अगर मैं ड्राइवर साइड पे बैठा हूँ तो उसने वार्निंग भी दी है कि ड्राइवर सिर्फ बैठा हुआ है यहाँ पे। बाकी अगर आप डिटेल्स देखें तो RPM मीटर जो है आपको 1.0 RPM यहाँ पर डिजिटल में ही हर चीज़ मिल रही है। और अभी यहाँ पर नीचे देखें तो पार्किंग में लगी हुई है तो गाड़ी पार्किंग में है। ड्राइविंग मोड जिसका नॉर्मल है वो आगे मैं दूसरी LCD में दिखा दूँगी कितने ड्राइविंग मोड्स हैं। उसके बाद ये टोटल जो डन है किलोमीटर वो सिर्फ 21 किलोमीटर डन है क्योंकि गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और इस साइड पर अगर देखें तो यहाँ पर ऊपर सिटी ट्रैफिक की जो एक जो स्पीड लिमिट होती है वो यहाँ पर दे रहा है, और 0 किलोमीटर अभी क्योंकि हम स्टेशनरी खड़े हैं तो गाड़ी के अंदर 0 किलोमीटर की स्पीड आ रही है। उस साइड पर आपको वार्निंग्स दे रहा है, और फ्यूल की गेज जो है यहाँ पर आपको शो हो रही है। उस साइड पर आपको लेफ्ट साइड पर हीट की गेज शो हो रही है। नीचे आपको जो है यहाँ पर लेन असिस्ट, इस गाड़ी के अंदर लेन असिस्ट के साथ लेन कीप भी है, गाड़ी खुद ब खुद जो है वो स्टेयरिंग इसका मूव करती है। और अगर हम इसके मिरर्स की बात करें तो मिरर्स के अंदर भी आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये जो छोटा सा निशान है ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का है, ठीक है। और मज़ीद अगर हम इसको थोड़े से रेस दे के देखते हैं कि RPM कहाँ जाता है, तो काफ़ी क्विक इसकी एक्सेलरेशन भी है। और ये थी इस साइड का रिव्यू, अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या सीन है। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं दूसरी साइड पे। तो दूसरी साइड पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके डैशबोर्ड का डिज़ाइन कितना खूबसूरत है, मतलब एक डिफरेंट डिज़ाइन है, स्लीक सा है, बिल्कुल मिनिमलिस्ट डिज़ाइन है। बहुत ज़्यादा बटन आपको ही नज़र आ रहे हैं, बल्कि बटन तो हैं ही नहीं गाड़ी के अंदर ना। तो सबसे पहली चीज़ जो ऊपर आप देखने को मिलती है वो 12 इंच की इसकी LCD है, जो कि काफ़ी मैसिव है। स्टाइल इसका काफ़ी अच्छा है और एक फ्लोटिंग स्टाइल की LCD है, अगर आप यहाँ से देखें तो चलता है ये फ्लोटिंग स्टाइल है, ठीक है। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी सारी जो ऑप्शंस हैं, इवन AC के कंट्रोल्स, इसके जो यहाँ पर मीटर के कंट्रोल्स हैं और गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स और हर चीज़ जो है वो इस LCD के अंदर इन्होंने दे दी है। तो सबसे पहले हम इसके होम पर जाते हैं, बल्कि ये होम स्क्रीन ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले म्यूज़िक है, यहाँ पे रेडियो आपको नज़र आ रहा है, कॉल्स की सेटिंग है, आपने फ़ोन कनेक्ट करके एंड्रॉयड ऑटो और जो iOS का होता है वो भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी सेटिंग्स में हम देखें तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स जो हैं वो हर चीज़ की मिल जाती हैं। सॉरी, इसके ऊपर पेपर लगा हुआ है जो कि मैं उतारूँगा नहीं। तो यहाँ पर आप साउंड सेटिंग्स देख सकते हैं, इसके अंदर हारमन गार्डन का जो है वो साउंड सिस्टम लगा हुआ है, जो कि काफ़ी इसका एक अच्छी क्वालिटी का और जानी मानी कंपनी है इंटरनेशनल, उसका साउंड सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे आप डिस्प्ले की सेटिंग्स देख सकते हैं कि आप ब्राइटनेस वगैरह जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको टाइम और सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद दोबारा हम होम पे जाते हैं तो यहाँ पर जो इसके मेन फीचर्स हैं, गाड़ी जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है ये गाड़ी, और इंटेलिजेंट से मुराद ये है कि गाड़ी जो है अगर आप स्पेशली मोटरवे पर जा रहे हैं तो और आपने क्रूज़ कंट्रोल लगाया हुआ, तो एक तो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी है गाड़ी के अंदर। दूसरा जो इसके अंदर है कि अगर आप एक लेन में जा रहे हैं तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लेन बनी हुई आ रही थी अभी, तो ये जो लेन है अगर आप लेन के अंदर जा रहे हैं और आप गलती से लेन आपका ध्यान कहीं और है और लेन आप चेंज कर रहे होंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो स्टेयरिंग इसका हिलेगा और आपको जो है वो मूव करके लेन के अंदर ले जाएगा। अभी ऑब्वियसली हम ड्राइव नहीं कर रहे तो ड्राइविंग जो है हम नहीं दिखा सकते, उसका भी इंशाल्लाह रिव्यू कभी लेकर आएंगे। और अगर हम इसकी कंफर्ट सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल रेयर जो इसके मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ड्राइविंग की अगर हम सेटिंग्स देखें तो उसके अंदर आपको अनलॉक मोड है कि आप चारों दरवाजे जो है वो लॉक अनलॉक जो भी है स्पीड लॉक कर सकते हैं आप इसकी। और अगर हम हेड्स अप डिस्प्ले देखें, जो कि मैं आपको सबसे पहली चीज़ दिखाना भूल गया हूँ, वो इसका हेड्स अप डिस्प्ले है कि अगर गाड़ी जो है अभी स्टार्ट नहीं है लेकिन इसका मीटर ऑन है, तो अगर आप सामने देखें तो आपको वो भाई के साथ नहीं
मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सामने देखें तो 0 किलोमीटर की आपको स्पीड शो हो रही है, उसके साथ स्पीड लिमिट और एक लेन भी शो हो रही है आपको। तो वो जो है वो आपको LCD में एक मतलब सामने एक रिफ्लेक्शन होता है जो कि हेड्स अप डिस्प्ले जिसको कहते हैं, काफ़ी बड़ी गाड़ियों में आता है वो, लेक्सस वगैरह में हमने देखा। तो यहाँ पर आपको जो है ये देखने को मिल रहा है, और उसकी आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कम ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस कर सकते हैं। इवन कि अभी मुझे मेरी हाइट के मुताबिक मुझे ना ये थोड़ा ऊपर लग रहा था, तो मैंने यहाँ से हाइट एडजस्टमेंट करके इसको प्लस माइनस करके नीचे किया ताकि मुझे नज़र आए वो। उसके बाद उसकी लाइट की सेटिंग्स हैं गाड़ी के अंदर, एम्बियंट लाइटिंग आई थिंक जो लोकली प्रोड्यूस मॉडल्स होंगे उसके अंदर नहीं है, और जो CKD जो CBU यूनिट्स हैं वो उसके अंदर है। पार्किंग असिस्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो आपको मैंने सेंसर्स दिखाए थे वो हैं इसके अंदर। इवन के गाड़ी के अंदर जो इसके CBU यूनिट्स हैं उसके अंदर ऑटो पार्किंग भी आती थी, शायद इस यूनिट के अंदर नहीं है वो। और LCD की काफ़ी ज़्यादा बात हो गई है, नीचे चलते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि AC के कंट्रोल हैं, यहाँ पर मैंने ऑन करूँगा अगर तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है LCD के अंदर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। और ये फ़ैन की आवाज़ तंग कर रही होगी तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ। डिफॉगर्स हैं गाड़ी के अंदर, पार्किंग सेंसर्स आप यहाँ से अगर प्रेस करेंगे तो आपको 360 डिग्री व्यू, जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया था कि आपको कैमराज जो हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है। वो टोटली आपको सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से नज़र आ रही हैं कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि इवन ये देखें इसने बीप किया कि एक बंदा पास से गुजरा, तो आप ख्याल रखें, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऑफ़ कर देते हैं, नीचे चलते हैं। तो नीचे AC के वेंट्स हैं, यहाँ पर आपको सेंटर में हैजर्ड का साइन मिल जाता है। और मज़ीद अगर हम नीचे वाली जगह पर चलें तो यहाँ पर इसका जो है वायरलेस चार्जिंग है, और ये सिंपल वायरलेस चार्जिंग नहीं है, ये फास्ट वायरलेस चार्जिंग इन्होंने इस गाड़ी में दी है, जो कि मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा। और नीचे अगर हम इसके गियर नॉब की बात करें तो गियर नॉब बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का है। इसमें जो है आप बड़ी गाड़ियों में देखें, रेंज रोवर, जैगुआर, इस तरह के जो हैं उसके अंदर डायल्स आते हैं, तो इन्होंने एक कम्प्लीटली फ्यूचरिस्टिक मॉडल बना दिया गाड़ी को। और सेंटर में आप देख सकते हैं गियर लीवर के, गियर नॉब सॉरी, उसके अंदर आपको पार्किंग में जो है पी ग्लो कर रहा है, तो पार्किंग मोड के अंदर अभी लगी हुई है। अगर गाड़ी स्टार्ट होती तो इसको इस तरफ हम घुमाएंगे तो ये रिवर्स कैम रिवर्स में लग जाएगी, न्यूट्रल में लग जाएगी, और इसी तरह ड्राइविंग और इवन मैनुअल मोड में आप लगा के इसके पैडल शिफ्टर जो हैं उसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मज़ीद यहाँ पर कुछ इन्होंने थोड़ी सी स्पेस दी हुई है, वॉलेट यहाँ पर आप रख सकते हैं अपना। और इसकी जो पार्किंग है वो ऑटो भी है, ऑटो जो पार्किंग ब्रेक है, और दूसरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। नीचे अगर मज़ीद हम पीछे चलें तो यहाँ पर आपको दो कप होल्डर जो कि इस तरह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली ओपन होके एक छोटा और एक बड़ा कप होल्डर आपको मिल जाता है। और अगर हम आर्म रेस्ट की बात करें तो डिसेंट साइज़ का, 2 लोग आराम से यहाँ पर अपना आर्म रेस्ट कर सकते हैं जैसे मैंने देखा, और वहाँ पर काफ़ी एम्पल स्पेस दूसरे बंदे के लिए भी मौजूद है। और इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक डिसेंट साइज़ का ग्लव कंपार्टमेंट है, ठीक है। और कंपार्टमेंट की बात कर ही रहे हैं तो उस साइड का भी कंपार्टमेंट देखते हैं जिसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको ओपन किया तो इसके अंदर एक ओनर्स मैनुअल है, जो कि आप अटेंशन टू डिटेल चेक करें इसकी, कि आपको एक लेदर की पैडिंग के अंदर आपको इसकी, जिसके ऊपर हैवल की जो है वो साइन है, लेदर के पाउच के अंदर आपको ओनर्स मैनुअल मिलती है। और आप ये चेक करें, ठीक है, ये इसकी जो है वो ओनर्स मैनुअल है हैवल जूलियन की, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत। और अटेंशन टू डिटेल देखें, यहाँ पर ऐसे पेपर्स पड़े होते हैं लोकल, अगर हम टोयोटा वगैरह को देखें तो वो पेपर ऐसे फेंके होते हैं, इन्होंने प्रॉपर एक पाउच के अंदर वो दी हुई है। इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ABS तो ऑब्वियसली होगा, गाड़ी इतनी इंटेलिजेंट है, ABS ना हो तो कैसे नहीं होगा इसके अंदर ABS, तो ABS होगा। एयर बैग की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में मुझे कर्टन एयर बैग नज़र आ रहे हैं, वो ऑप्शनल है। इसके अंदर टोटल ऑफ 6 एयरबैग्स आते हैं गाड़ी के अंदर, जिसमें आपको कर्टन एयर बैग्स भी मिल जाते हैं और ड्राइवर और पैसेंजर के भी मिल जाते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड एयर बैग्स हैं वो 2 हैं, एक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, और दूसरा जो है वो पैसेंजर साइड का। बाकी जो एयर बैग्स हैं वो ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी है आप रखवाना चाहें या ना रखवाना चाहें। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर वाली साइड पर। ऊपर वाली साइड पर आप देख सकते हैं कि सन वाइजर के अंदर जो है वो आपको एक मिरर भी मिल रहा है, और उसके साथ आपको लाइट मिल रही है। इसके ऊपर शॉपर चढ़ा हुआ है जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन लाइट यहाँ पर गिवन है, जो कि एक अच्छी गाड़ी की निशानी है। और अगर हम इसकी पैसेंजर वाले साइड पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मिरर है और यहाँ पर भी आपको लाइट मिल रही है। दूसरा, अगर हम ऊपर की ऑप्शंस की बात करें तो इसका जो है वो ऑटो डिमिंग बैक व्यू मिरर है इसका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल्स जो हैं वो इसके पैनोरामिक सनरूफ के हैं, वो भी हम ओपन करते हैं। और LED रीडिंग लाइट्स हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से ऑन और ऑफ हो रही हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सनग्लासेस होल्डर है, ठीक है। अब हम इसकी सनरूफ को ओपन करते हैं, सबसे पहले तो इसका ये कवर हम ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये पैनोरामिक रूफ है, तो ये ऑल द वे टू द बैक जा रहा है।
एक चीज़ मुझे इसमें अजीब लगी कि आपको बटन को होल्ड करके पकड़ना पड़ रहा है और ये फिर ओपन हो रहा है, और अगर हम दूसरा इसका ओपन करें तो ये डबल टैप के साथ जो है ये इसकी सनरूफ भी ओपन हो गई है। और सनरूफ के ऊपर अगर आप देखें तो सेफ्टी नेट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके जो है गाड़ी के अंदर कोई मटेरियल्स वगैरह ना आए। तो इसको अभी हम ऑफ़ कर देते हैं और इसके साथ ही हम लोग चलते हैं बैक सीट्स की तरफ और देखते हैं कि उसका क्या सीन है। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी की बैक सीट्स की तरफ और आप देख सकते हैं कि ये सीट जो है मैंने कम्प्लीटली पीछे की हुई थी अपनी हाइट के हिसाब से, और आप देख सकते हैं कि लेग रूम जो है वो इसका एम्पल है, यहाँ पर टच नहीं हो रही मेरी नीज़। और अगर हम इसके हेडरूम की बात करें तो आपके सामने क्लिप चल रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि हेडरूम जो है वो भी काफ़ी अच्छा है इसका। और अगर हम इसके सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको दो एसी के वेंट्स मिल रहे हैं, दो यूएसबी पोर्ट्स मिल रही हैं जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको एक कंपार्टमेंट मिल रहा है जिसके अंदर आप छोटी मोटी चीज़ें अपनी रख सकते हैं। और मज़ीद अगर हम इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं, ठीक है, उसके साथ ही आपको जो है यहाँ पर ये लाइट्स होती हैं जो कि ऑन नहीं हो रही अभी, और उसके साथ आपको हैंग करने के लिए भी एक चीज़ मिल जाती है और यहाँ पर आपको ये हैंडल मिल रहा है। और मज़ीद अगर हम इसकी सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आर्मरेस्ट इसका बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर अभी शॉपर चढ़ा हुआ है जिसकी वजह से मैं आर्मरेस्ट आपको दिखा नहीं सकता, और उसके अंदर दो कप होल्डर्स तो लाजमी हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आइसोफिक्स लिखा हुआ है, चाइल्ड आइसोफिक्स के आपको एंकर भी मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो आप आराम से अपने बच्चों की सीट्स भी हैं वो भी सेट कर सकते हैं। और मज़ीद बैग के ऊपर कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं इसकी ट्रंक स्पेस की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या सीन है। तो अब हम लोग आ गए गाड़ी की ट्रंक की तरफ और ट्रंक को हम गाड़ी की के थ्रू ओपन करेंगे, और यहाँ पर बटन तो दिया हुआ है लेकिन ये ऑटो बूट नहीं है, तो सिर्फ अनलॉक होगी और आगे जाके हमें मैनुअली जो है ये गाड़ी की ट्रंक को ओपन करना पड़ेगा यहाँ लैच के थ्रू। और इसको ओपन करेंगे तो हाइड्रोलिक है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। और बाकी आप ट्रंक स्पेस देख सकते हैं कि इसके अंदर बींग अ कॉम्पैक्ट एसयूवी काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रंक स्पेस है, और ऊपर अगर देखें तो एक स्प्लिटर दिया हुआ जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। बाकी अगर ट्रंक को देखें तो ट्रंक के अंदर एक एलईडी लाइट है, और नीचे वाली चीज़ों को देखें तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील दिया हुआ है जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ये इम्पोर्टेड यूनिट्स हैं तो इसके अंदर फिर भी एक स्पेयर व्हील है। और यहाँ पर देखें तो एक हैज़र्ड का जो है वो आपको साइन दिया गया है कि अगर आप गाड़ी का स्पेयर व्हील चेंज कर रहे हैं तो ये आप साइन ऊपर रख सकते हैं। और मज़ीद गाड़ी की ट्रंक स्पेस के अंदर और कोई चीज़ नहीं है, इसको हम क्लोज़ करते हैं। और गाड़ी की अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, और उसके साथ ही हम लोग रिव्यू को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।